नमस्कार दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल #StudyMaster में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे 69 सच्चे भर्ती की, क्योंकि आज भी ज्ञापनों का दौर रहा। 40-45 वालों ने आज फिर ज्ञापन सौंपे। सब लोग अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। 60-65 वाले अपनी तरफ से लगा रहे हैं, 40-45 वाले अपनी तरफ से लगा रहे हैं, पर आखिर सफलता अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ है ना कि सरकार की गलतियों का खामियाजा छात्र उठा रहे हैं, हकीकत तो ये है। और जिसको हर कोई न्यूज़ चैनल वाला भी नज़रअंदाज कर रहा है, अगर ये न्यूज़ चैनल वाले चाहें, अगर एक दिन भी डिबेट अगर नेशनल टीवी पे चलाई जाए 69,000 भर्ती के खिलाफ, तो हो सकता है सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़े। पर क्योंकि ये न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देते, हकीकत तो ये है। क्योंकि ये अपनी से पॉलिटिक्स में ये TRP बढ़ाते हैं, पर हकीकत ये है अगर ये लोग मुद्दे की बात करेंगे ना बेरोजगारी की, तो TRP इनकी पॉलिटिक्स के दुगनी TRP बढ़ेगी। पर ऐसा नहीं करते हैं ये लोग भी, क्योंकि इनको भी हाथ बंधे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती पर जवाब तलब। अब ये समझिएगा 69,000 से इससे रिलेटेड क्या है। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अधिकारी, यहाँ लिखा है 31/33 ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ए सीरीज के प्रश्न संख्या 77 के विकल्प में बदलाव को लेकर, क्योंकि पहले विकल्प कुछ दिया था उसके बाद कुछ चेंज हो गया, उस बदलाव को लेकर याचिका दाखिल की गई और सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। सबसे बड़ी बात है हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया सरकार से, क्योंकि इसमें क्या, इसमें कहा गया है क्योंकि मेरा जो पहले विकल्प था उसके माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो रहा था, और उसके बाद जो विकल्प चेंज किया गया है उससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। और यहाँ पर देखने वाली यही बात है, क्योंकि उत्तर कुंजी आएगी तो इसमें भी कहीं पर ऐसा कुछ होना जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर मामला फिर अल्टे, क्योंकि इस भर्ती में इतने मुकदमे के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। हकीकत तो यह है, सबसे बड़ी बात यह है, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जज तारीख पे तारीख देता है तो मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जा सकती है जो अगर तारीख पे तारीख देता है सुनवाई के टाइम। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों पर गंभीरता से कहा है, पर उनको अमल नहीं किया गया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यहाँ आती है निकल के, यहाँ मान लीजिएगा सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है, जैसे मान लीजिए अगर सरकार, अगर अभी तो डबल में जा नहीं रही, क्योंकि सरकार मूड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हकीकत यहाँ पर है। क्योंकि भर्ती को 4 महीने हो चुके हैं फंसे हुए, 4 महीने पूरे हो गए, और सर और लड़के अभी भी उसी भर्ती में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना उसमें भविष्य देख रहे हैं 69,000 सच्चे भर्ती में। हकीकत तो ये, क्योंकि भविष्य दो लोग देख रहे हैं, जो 40-45 पर कैंडिडेट पास है वो भविष्य देख रहा है, जो 60-65 पास है वो भी भविष्य देख रहा है। क्योंकि ये 4 लोग मिनिमम 4 लाख है, 4 लाख में अगर 40-45 की अगर कर ली जाए तो मिनिमम 40-45 से समथिंग 2,50,000 के ऊपर लोग पास हैं, और 2,50,000 के ऊपर जो पास हैं वो सब इसी भर्ती में विदे हुए हैं, वो अपना भविष्य देख रहे हैं 69,000 सच्चे भर्ती। पर सरकार कुछ भी नहीं सोच रही, हकीकत तो ये है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, सरकार ऐसे नियम बनाती क्यों जिससे भर्ती कोर्ट में जाए, और अगर भर्ती कोर्ट में जाती है तो उसका फैसला भी जल्द तो होना चाहिए, और अगर जल्द फैसला आया तो सरकार को भी उस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना शिक्षा विभाग की देख रेख के लिए अलग से कमेटी है, कुछ भी नहीं बनाई जाती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई विवाद उठता है तो उसको सबसे पहले 7 दिनों के अंदर सुलझा लिया है, कोर्ट तो जाना ही ना दिया जाए, ऐसा कोई कमेटी गठित की जानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, ये छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है, हकीकत तो ये, सरकार छात्र बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि 69,000 भर्ती के कारण जितने भी छात्र हैं मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तथा इसके अलावा कोई भर्ती में की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, हकीकत यह है। क्योंकि हकीकत उससे पूछो जिसने 69,000 सच्चे भर्ती पेपर दिया है, पास किया है, और सबसे बड़ी बात ये उसको ये तक पता नहीं कि मैं अभी भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर दूसरी वैकेंसी को अगर कोई निकली है, अगर उसका एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करें पढ़ें, तो उसमें पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, हकीकत तो ये है। अगर आप किताब रख के बैठेंगे 2 दिन पढ़ेंगे, 2 घंटे भी पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तो इसके बाद 3 दिन मन नहीं लग रहा, हकीकत ये है। कंडीशन ये बन चुकी है कि 69,000 सच्चे भर्ती हम लोग इस कदर खोए हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि ये जॉब तो हमें मिली जाएगी, क्योंकि उधर 40-45 वाले जो लगा रहे हैं, 60-65 वाले, क्योंकि 40-45 वालों ने आज फिर जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपा महोबा में 40-45 पर भर्ती कराने के लिए, और 60-65 वाले अब साइलेंट हो गए। क्योंकि आपको वक्तव्य याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ सभा में खुद लेकर कहा था 60-65 वालों का बैनर खिला,
पर ये एक मेरे हिसाब से एक सीओबी को मुख्यमंत्री के बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हकीकत यह, क्योंकि जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं उसी ने आपको चुनकर भेजा है भैया। कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है, क्योंकि आपसे ही अपेक्षाएं और आप ही उन अपेक्षाओं को निराशा में बदल देंगे, ये कोई सोचता नहीं है। हकीकत तो ये, क्योंकि जो राजा होता है राजा से ही सभी की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, और राजा ही ऐसा कुछ कह दे जिससे अपेक्षाएं निराधार हो जाएं, तो उसमें कुछ कहने की बातें रह नहीं जाती। हकीकत तो ये, और सबसे बड़ी बात ये मेन बात रिजल्ट की विद्रोही है, क्योंकि सरकार तो नहीं जा रही। सबसे बड़ी बात यह है भरोसा नहीं है, हकीकत यह रिजल्ट में, क्योंकि अगर रिजल्ट में धांधली भी हो जाएगी तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, क्योंकि 68,500 हम लोग भुगत चुके हैं, हकीकत यह है। और वो छात्रों के ऊपर क्या गुजरी, 69,000 वालों पर अगर धांधली हुई रिजल्ट में, तो वो वही बता सकते हैं, हकीकत तो ये है। पर अभी भी कुछ भी निर्णय निकल कर नहीं आया है। हाँ, कुछ साथी कह रहे थे कि सरकार सीबीआई जांच, जो निर्णय आया था सीबीआई जांच में, तो सरकार 20 दिन बाद डबल बेंच गई थी, तो देख लेते हैं 20 दिन होने वाले हैं, शायद 17 या 18 दिन हो गए हैं, 2 दिन और 19 तारीख को हो जाएंगे 20 दिन। तभी इस वक्तव्य से बोला है सभी लोगों ने कि 19 तारीख को सरकार डबल बेंच जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अगर स्टेटमेंट आता है तो अच्छी बात, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, हकीकत तो ये है। क्योंकि भर्ती को मैं बता रहा हूँ सरकार जानबूझकर लटका रही है, हकीकत मैं बता रहा हूँ, जानबूझकर लटकाई जा रही है, और छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि छात्र उसी भर्ती में विदा हुआ है, उस भर्ती से बाहर निकल नहीं पा रहा है। ये सोचने वाली बात है, पर कोई सोच नहीं रहा, हकीकत तो है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर भर्ती डबल बेंच से होकर सुप्रीम कोर्ट गई, डबल बेंच तो कन्फर्म है जाने, क्योंकि बीएड तथा बीटीसी वालों ने अपने वकील तैयार कर रखे हैं, पर समस्या कि यहाँ है वो सरकार के साथ जाना चाहते हैं, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं जब जब सरकार वो ये सोच रहे हैं कि सरकार डबल बेंच जाए, पर सरकार अभी डबल बेंच नहीं जाएगी, बात हकीकत तो ये। देखिए यहाँ से सोचिए, सरकार मान लीजिए डबल बेंच जाती है, उसने निर्णय कर लिया डबल बेंच जाएगी, डबल बेंच से अगर निर्णय अगर पलटा भी तो शिक्षा में तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है, मैंने पहले बताया, भर्ती 2-3 साल के पहले नहीं होगी, कन्फर्म है, मान के चलिएगा, क्योंकि फिर आपकी भर्ती कोर्ट के चरणों में प्रवेश कर जाएगी, और सबसे बड़े कोर्ट के चरणों में जब एक बार प्रवेश कर जाती है तो ये समझिएगा निर्णय 2-3 साल के पहले नहीं आता हकीकत, क्योंकि इसका उदाहरण 72,000 वैकेंसी है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, 72,000 वैकेंसी वाले जो कुछ जिन छात्रों ने पेपर दिया था, उसमें उनसे पूछ सकते हैं कितनी साल में भर्ती हुई थी, वो भर्ती 5 सालों में पूरी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी, आप समझ सकते हैं, उसका भी मामला ऐसा ही कुछ था, और ऐसा ही इसमें मामला है, बिल्कुल सेम, हकीकत यही। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी बात यहाँ पर गलती मैं सरकार ही मानता हूँ, हर चीज़ में सरकार की गलती है, अभी तो यही गलती है। अभी उत्तर कुंजी जारी होने दो, उत्तर कुंजी में भी कोर्ट में जाएंगे लोग, क्योंकि वहाँ भी ऑप्शन पर निर्णय पर विवाद होगा, क्या समझ रहे हैं, अभी कोर्ट कितने केसेस लदेंगे इस भर्ती पे आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वहाँ बीएड वाले भारंग पर केस है, बीएड ने भारंग पर केस किया है, इसके अलावा बीटीसी ने मिलकर शिक्षा मित्रों के साथ मिलकर बीएड को बाहर निकालने के लिए केस किया है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अभी रिजल्ट अगर आएगा अभी तो उत्तर कुंजी पर केस होना है, तो मान के चलिए इतने केसेस हैं इस भर्ती पे, इतने केसेस लग चुके हैं, ये भर्ती बुरी तरह से जकड़ चुकी है कोर्ट के चरणों में, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, हकीकत यही है। मैं अभी वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस भर्ती से निकलिएगा बाहर, जिस तरह से आप निकल पाएँ इस भर्ती से, 69,000 को से निकलिएगा, और कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा जिससे आपको ही फ़ायदा मिले। मैं आपको बताऊँ, जब ये भर्ती पूरी होगी, जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, जब इसका निर्णय आएगा, आप इस भर्ती के भरोसे मत बैठिए, हकीकत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है चंदा भी जोर शोरों से दिया जा रहा है, हकीकत तो यहाँ, जबकि चंदा सबसे बड़ी बात यहाँ है कि चंदे के लिए सभी ने अपने अकाउंट नंबर जारी कर दिए, और भड़का भी उसी तरह से रहे हैं, हकीकत ये है कि जिस तरह से 68,500 में याची बनाए गए थे उस तरह से चंदा दिया गया था, और यहाँ तो इसकी बात है, यहाँ चंदा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मामला कुछ अलग होते हैं, हर चीज़ के कुछ मामले अलग होते हैं, हर किसी में याची बनाए जाते हैं, किसी में नहीं बनाए जाते हैं। देखो मैं तो ये कहता हूँ जिसकी सुरक्षा हो वो चंदा दे, जिसको अगर जिस टीम पर विश्वास हो वो चंदा दे, जिसको विश्वास ना हो वो चंदा मत दे, हकीकत ये सबसे बड़ी बात। अगर इसमें भी विश्व नेता की बात होती है, सत्यता की बात होती है, कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, क्योंकि मैंने बहुत से देखे हैं चंदा लिया फुर, चंदा लिया फुर,
क्योंकि बहुत से केस, सबसे बड़ी बात यहाँ बीएड की, बीएड के केस पर केस हो रहा है, बीएड को बाहर करने के लिए किस बेस पर केस हो रहा है ये भी तो सोचने वाली बात है, किस बेस पर केस हो रहा है ये भी सोचो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के पास मतलब सरकार के पास जो संविधान संशोधन है 21 के तहत, उसके पास निर्णय है कि वो कट ऑफ पहले भी लगा सकता है, बाद भी लगा सकता है। अगर लगा सकता है तो सरकार देरी क्यों कर रही है, तो कोर्ट ने प्रूव कर दी थी लगा सकता है, फिर क्यों निर्णय चेंज हो गया 40-45 पर, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्यों सरकार ने वहाँ पर ना आपने AG ना AG किसी को नहीं भेजा, क्यों प्राइवेट वकील किया? अगर सरकारों अगर वैकेंसी की इतनी चिंता होती तो सरकारी वकील करते, अपने एडवोकेट जनरल को भेजते, अधिवक्ता को भेजते, नहीं भेजा सरकार ने। सरकार की जानबूझ कर भर्ती फंस चुकी है, हकीकत तो ये, ऐसे खुद नियम बनाती है जिसमें खुद जकड़ जाती है, हकीकत तो ये। और वहाँ पर वो दुहाई भी देते हैं कि हमारी भर्ती कोई भी कोर्ट में नहीं फंसती है, और सभी के सामने उदाहरण है, दो दो भर्तियाँ हैं 68,500 ये है, सभी भर्तियाँ दोनों भर्तियाँ कोर्ट में गई हैं, और आपको भी पता 68,500 किस तरह से धांधली हुई है, पर कोई जानने पहचानने वाला नहीं, आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ये हकीकत तो ये सबसे बड़ी बात। और हम लोग भी इसी के पीछे पड़े हैं, 69 जाओ 69 जाओ, और भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपको इसमें सिलेक्शन होना होगा उस दिन हो जाएगा, पर आप इसके भरोसे मत बैठिए, इससे निकलिएगा बाहर, मानसिक प्रताड़ना से आप जो जूझ रहे हैं इससे बाहर निकलिएगा, बाहर निकल कर देखिएगा, आपका करियर सिर्फ इसी में नहीं है, और भी एग्ज़ाम है, उसमें भी करियर है। जब इसका अगर जब ये वैकेंसी पूरी होगी, जब आपको उसमें जॉब मिल रही होगी तो मिल जाएगी, कोई उसमें रोक नहीं सकता आपको, चाहे वो 40-45 में मिल रही हो तब मिल जाएगी, या फिर 60-65 में मिल रही हो तो 60-65 में मिल जाएगी, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल ही आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल किसी भी, मैं बता रहा हूँ बहुत से एग्ज़ाम निकले हैं, NTPC है, रेलवे की ग्रुप डी, इनकी तैयारी करते रहें, मैं आप ही का नुकसान ना हो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बस सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। और 40-45 वाले और 60-65 वाले आपस में ना लड़ें, हकीकत यही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 40-45 वाले अपनी मांग कर रहे हैं, उनको भी नौकरी प्यारी है, हकीकत ये, और 60-65 वालों को भी हकीकत ये नौकरी प्यारी है, तो दोनों लोग सरकार से लड़ें, सरकार से अपनी मांग रखें, आपस में ना लड़ें, हकीकत मेरा कहने का मतलब ये, क्यों दूसरे में बैर रखें, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना एक ही जगह है, हकीकत तो ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोगों को लड़कर क्या करना, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से हक क्या है, सरकार से छीनना है, चाहे वो सरकार किसी तरह से हक दे, सरकार से अपनी लड़ाई लड़ो, ना कि 60-65 वाले 40-45 आपस में लड़ाई लड़े, क्योंकि और हम लोगों को तो कोशिश करनी चाहिए सरकार से मिलकर, सरकार अपना स्टैंड जो कुछ भी हो क्लियर करे, 40-45 पे अगर आपको स्टैंड है तो 40-45 पे स्टैंड क्लियर करें, अगर 60-65 पे स्टैंड क्लियर है 60-65 पे स्टैंड क्लियर करें। पर सरकार वैकेंसी से बाहर दूर भाग रही है, उसको चुनाव दिखाई दे रहा है, चुनाव होने के बाद भी फिर सोचेगी, फिर निर्णय लेगी, क्योंकि प्रभात सर का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है, हकीकत ये, इसका हो सकता है नए सचिव हैं वो अपनी अलग तरह से रूपरेखा बनाए, पर ऐसा होगा नहीं, हो सकता इसी कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसी महीने में सरकार डबल बेंच में जाए, देखते हैं क्या होता है। बस जो कुछ भी सलाह थी मैं आपको दे रहा हूँ हकीकत के नाते, क्योंकि मैं हकीकत मैं भी आपको बता दूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और अगर आप कहें कि, क्योंकि समस्या ये है ना, मैं वीडियो बाद वीडियो डालूंगा तो मुझे गालियाँ भी मिलती हैं, पर गालियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं 60-65 वाले कहते हैं आप 40-45 वाले हो, इस वजह से 40-45 का पक्ष ले रहे हैं, कोई 40-45 वाले कहते हैं कि आप 60-65 वाले, इसलिए 40-45 की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं किसी की बात नहीं करता हूं, मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं। और मैं आपको हकीकत बता दूं, मैं भी एक 60-65 जो कट ऑफ है मैं उसको पास हूं, पार की हूं, पास हूं, मैंने भी सुपर टेट दिया है, पर मैं किसी से लड़ता नहीं हूं, क्योंकि मुझे हक छीनना है, सिर्फ सरकार से हक लेना है अपना, ना कि किसी से लेना, मुझे 40-45 से दुश्मनी है, ना मुझे 60-65 वाले से दुश्मनी, मुझे सिर्फ जो जो कुछ भी दिक्कत है मुझे सरकार से दिक्कत, क्योंकि सरकार ऐसे नियम क्यों बनाती है जिससे हम लोगों का भविष्य अंधकार में पड़े, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि मैंने देखा है नवंबर हमने TT दिया था, नवंबर से अभी तक देखेंगे तो 5-7 महीने हो गए, और 5-7 महीने से हम लोग एक ही वैकेंसी में अटके रहे 69,000 वैकेंसी में, और इसकी वजह से हम लोग ना ALP की तैयारी कर सके, ना ग्रुप डी की तैयारी, और भी एग्जाम थे वीडियो उसकी भी तैयारी नहीं कर सके, क्योंकि शिक्षा भर्ती हमें दिखाई दे रही थी, हकीकत ये है, और उसकी वजह से हम लोग दो दो तीन तीन एग्जामों से अपना जो नाता है वो तोड़ सकें, हम ना तो वहाँ घर के रहे ना घाट की, हकीकत ये है। और अब इसमें इस तरह जकड़ चुके हैं कि वो तो हम ही समझ सकते हैं, इस वजह से मैं यही कह रहा हूँ, अब आप लोग इस भर्ती से आगे निकलिएगा, और भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करिएगा, तो वही अच्छा होगा आपके लिए, सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी साथी 69,000 के
इस चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जो हकीकत मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।